सीरियल ये रिश्ता का कहलाता है कि मेकर्स सीरियल में मौत का सीक्वेंस तो दिखाने ही वाले हैं, लेकिन इसके अलावा भी सीरियल के मेकर्स ऐसा कुछ ट्विस्ट लेकर आएंगे और सीरियल में मौत वाले सीक्वेंस के बाद ऐसी चीज देखने को मिलेगी जिस वजह से सीरियल में जो इस समय टीआरपी रेस से लगातार पीछे जाता जा रहा है वो फिर से अपनी पोजीशन पर आता नजर आ सकता है। तो मेकर्स टीआरपी को वापस लाने के लिए क्या क्या दिखाने वाले हैं उसी के बारे में हम आपको आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं। इसलिए अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए। आप सभी अगर टीआरपी चार्ट को हर हफ्ते देखते होंगे तो आप सभी को पता ही होगा कि इस हफ्ते ये रिश्ता क्या कहलाता है काफ़ी पीछे जा चुका है, लेकिन सीरियल के मेकर्स जिस तरह सीरियल की आगे की कहानी को दिखाने वाले हैं टीआरपी रेटिंग वापस लौटती नजर आ सकती है। क्योंकि सीरियल में जब अभीरा को रूही और अरमान के रिश्ते के बारे में पता चल जाएगा तो वह घर छोड़कर जाने का फैसला लेती नजर आएगी। वहीं दूसरी तरफ अभीरा और पोद्दार फैमिली को नुकसान पहुंचाने के लिए दादीसा का पुराना दुश्मन आ जाएगा और इस दुश्मन के हाथों सीरियल में मौत होती नजर आने वाली है और उसी के बाद सीरियल में रोहित की भी एंट्री देखने को मिलने वाली है। आपको क्या लगता है ये सारी चीज़ें होने से सीरियल की टीआरपी रेटिंग वापस आ सकती है या नहीं कमेंट पर आप हमें ज़रूर बताएं। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह सीरियल से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी अपडेट को सबसे पहले जानने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।